रामायण का पात्र शूर्पनखा एक राक्षसी और लंका राज रावण की बहन थी, लेकिन एक कथा के अनुसार द्वापर युग में उसे विष्णु रूप राम के ही दूसरे अवतार कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे एक राक्षसी भगवान को पा सकी है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार शूर्पनखा ही रामायण युद्ध की सूत्रधार थी। 14 वर्ष का वनवास काटने के दौरान लक्ष्मण को देखकर उनके रूप पर मोहित होकर उन्हें पाने की इच्छा के प्रणय निवेदन करने पर लक्ष्मण द्वारा अपमानित होने पर शूर्पनखा ने यह बात लंकापति रावण को बताई। उसी के पश्चात रावण ने सीता के अपहरण की योजना बनाई थी। कहते हैं शूर्पनखा ने रावण से बदला लेने के लिए ऐसा किया था, लेकिन राक्षसी शूर्पनखा वास्तव में इंद्र के दरबार की एक अप्सरा थी, जिसे एक ऋषि के शाप के कारण राक्षसी के रूप में शूर्पनखा बनकर जन्म लेना पड़ा था। कथाओं के अनुसार शूर्पनखा के रूप में जन्म लेने से पूर्व वह इंद्र के दरबार में नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी। एक बार नृत्य करते हुए जब वह आँखों की भागिमाएँ दे रही थी, तभी इंद्र उस पर मोहित हो गए और उसे अपनी प्रेयसी बना लिया। इंद्र को पता था कि नयनतारा की आँखों के आकर्षण से कोई नहीं बच सकता। इसे समझते हुए इंद्र ने एक बार ऋषि वृजा की तपस्या भंग करने के लिए नयनतारा को धरती पर भेजा, जिसके बाद ऋषि की तपस्या तो भंग हो गई, लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर उसे राक्षसी बनने का श्राप दे दिया। इससे भयभीत नयनतारा ने ऋषि से मुक्ति पाने के उपाय भी पूछे। तभी ऋषि ने बताया कि सतयुग में राम से मिलने के बाद ही उसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी, जब वह भगवान की मदद करेगी। इसलिए राक्षसी रूप में जन्मी नयनतारा अर्थात शूर्पनखा ने युद्ध के लिए रावण को उकसाकर भगवान द्वारा उसका नाश करवाया। कहते हैं युद्ध समाप्त होने के पश्चात प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए और नयनतारा रूप वापस पाने के लिए शूर्पनखा ने पुष्कर नदी में खड़ी होकर 10,000 वर्षों तक शिव की आराधना की। 10,000 वर्ष के बाद भगवान शिव ने शूर्पनखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया। वर के अनुसार 28वें द्वापर युग में जब श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया, तब उन्होंने कुब्जा के रूप में शूर्पनखा से विवाह किया था और उसके कुबर को भी ठीक किया था। श्री कृष्ण की कृपा से शूर्पनखा को उसका नयनतारा का मनमोहक रूप भी मिल गया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।